अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज आपको PSD फाइल में इंस्टाग्राम मल्टीपर्पज के लिए टेम्पलेट्स मिलेंगी जो कि तीन फोल्डर में हैं। बस इनका व्यू दिखा दूँ तो ये फाइल ऐसी दिखती हैं, यहाँ पे जैसे कॉलेज फ़ोटो के रिलेटेड ही हो जाए ऐसे यहाँ पे। तो आप एक सेल के रिलेटेड भी इसको बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, कोई भी आप इसको शेप दे सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं फर्स्ट पे, सेकंड को फाइल ओपन किया मैंने। यहाँ पे देखें तो एक PSD फाइल है और उसके साथ जो है वो JPG फाइल भी है फ़ोटो के लिए। सो मैं इसको ड्रैग करता हूँ, 1080x1080 इसका रेगुलेशन है। यहाँ पे आ जाएँ 60 डिस्काउंट फॉर न्यू अराइवल्स, यहाँ पे आ जाएँ तो डिज़ाइन इमेज बैकग्राउंड डबल क्लिक फॉर चेंज ओके। यहाँ पे आप रेड क्लिक करोगे, सॉरी यहाँ पे आप आ जाए पास्ट योर फोटो यहाँ पे इंपोर्ट करें। मैं इसको ही इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे इसको, और इसके साथ मैं अटैच करता हूँ ट्रैक करके, सॉरी इसको इसका साइज बढ़ा के Ctrl+S, सेविंग Ctrl+Shift+E Ctrl+S, ये यहाँ पे ऐसे एडजस्ट हुआ है। और इसका कलर चेंज करें तो मैं Ctrl+Alt+Z प्रेस करता हूँ तो ये ऐसे आ गया। तो यहाँ पे आ जाएं तो जस्ट आप सिंपल इस पर क्लिक करें, कोई कलर सेलेक्ट कर लें, ओके Ctrl+S, और यहाँ पे ये कलर ऐसे एडजस्ट हो गया। और ग्रैंडेंस ओवरले अगर आप अप्लाई करें इफेक्ट पे जाएं, ग्रैंडेंस ओवरले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं, सो आप उसको उस वीडियो को फाइंड करें मेरी वेबसाइट से या मेरे चैनल से। सो मैं इसको ही अप्लाई करता हूँ Ctrl+S, ये सेव होगी फाइल और यहाँ पे इसका डिज़ाइन जो है वो ऐसे आ गया है। और इसको अगर आपने यहाँ पे अगर तस्वीर लगाना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। और ये रहा डिज़ाइन यहाँ पे, इसका भी कलर आपने चेंज करना हो तो कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे जस्ट तस्वीर लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं एक फाइल ओपन करता हूँ यहाँ पे, इसको भी ओपन कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे लगानी है तो इस लेयर्स के ऊपर इस फाइल को लाना है आपने। यहाँ पे ऐसे फाइल को आप ले आए और यहाँ पे आ जाएं तो इस कलर को मैंने हाइड किया है क्योंकि ये कलर इसके ऊपर है, जो मैं शो करूँगा तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो यहाँ जस्ट ये अटैच हो गया। और यहाँ पे आप जो तस्वीर ऐड करनी है उसको ऐड करें, मैं इसको भी यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसको ही ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ और शिफ्ट की मदद से मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे, इंटर Ctrl+S सेविंग। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल ऐसे सेव होगी। अगर आप डीपली जाएं तो यहाँ पे आप इसको रोटेट करें, साइड इसकी चेंज करें Ctrl+S और ये सेंटर में आ गया। सो एंड सो आप इसे बेटर भी कर सकते हो। इसको मैं बंद कर देता हूँ और नेक्स्ट फाइल को ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं इस फाइल को ही ले लेता हूँ यहाँ पे, सिक्स को मैंने ट्रैक किया फोटोशॉप में। और यहाँ पे आपको शेप नज़र आ रही होगी, एक ये शेप है और एक ये शेप है, दो शेप से आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हाँ यहाँ पे आ जाए तो फर्स्ट इसका ग्रेडिएंट जो बोले मैं अप्लाई कर देता हूँ, और पिक्स का मुझे पता है कि आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, सो एंड सो आप पिक्स भी लगा सकते हो। इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से के, अब आ जाएं नेक्स्ट फोल्डर में, यहाँ पे ये सिंपली फाइल ने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने। अब आ जाएं दूसरे फोल्डर में,
तो यहाँ पे आपको थोड़े डिफरेंस जो है वो मिलेंगे, डिज़ाइन उसके रिलेटेड ही होंगे लेकिन थोड़े ज़्यादा कर लें आप, डिफरेंट टाइप ही कर लें क्योंकि स्टाइल यहाँ पे चेंज है इनका। आ जाएँ यहाँ पे, सॉरी ये मैंने फ़ोटो को जस्ट इंपोर्ट कर दिया, और नेक्स्ट ये PSD फाइल में है 26, और इसको मैं खोलता हूँ यहाँ पे फोटो को मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ओके इसी को ले लें, और ये तस्वीरें जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं मेरे चैनल से, आप विजिट कर सकते हो यहाँ, वहाँ से फाइंड कर सकते हैं आप कंट्रोल एस, यहाँ पे वही ऑप्शन आ गई। सो कंट्रोल एस, अब इसको छोटा कर दें आप ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो ये शेप है इसके अंदर जो है वो आ रही है एस, कंट्रोल एस, और ये इसके करीबन इसके साथ मैच हो रही है। या एक ऑप्शन आई थिंक ये भी है कि इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पे ऐसे, ये तो आप जितना डीप चाहो उतना आप जा सकते हो, क्योंकि मैं इतना डीप नहीं जाता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, जस्ट हिंट्स देता हूँ और मुझे पता है कि आप बेटर कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे ही एडजस्ट हो गया, और यहाँ पे भी आप कोई टेक्स्ट देना चाहो तो दे सकते हो, या इसी जो शेप का साइज़ आप जो है वो छोटा कर दें, या अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहें वो भी आप कर सकते हो। सो इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर नेक्स्ट फोल्डर पे आ जाएँ फोर पे, तो इस पर इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। ट्रैक किया मैंने फोटोशॉप पे, यहाँ पे एक ही फाइल नज़र आ रही है, और उसी फाइल में ही आपको ये सब डिज़ाइन मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको जो फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे इसको आप एडिट कर सकते हो। आई होप कि ये डेटा आपको अच्छा लगा होगा, कल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।